हर महादेव एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय सियाराम। चलिए चर्चा करते हैं आज आप 12 शुभ दिन कैसा रहेगा, साथ ही आज का लक्की नंबर, लक्की कलर भी जानेंगे और आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आज आपके द्वितीय स्थान में चंद्रमा गोचर हो रहा है, उच्च के चंद्रमा है आपके द्वितीय स्थान में। आज आपकी वाणी बहुत मधुर बनी हुई है, आपके सभी पुराने रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं। माता से आपको कोई गिफ्ट भी प्राप्त हो रहा है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बनवा रहे थे या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, उसके बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। करियर की दृष्टि से आज पदोन्नति के दिन है, व्यवसाय में भी लाभ की सुंदर स्थितियां हैं। परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज परिवार के सदस्य कहीं बाहर घूमने भी जा रहे हैं। अब चर्चा करते हैं रिश्तों की। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। लव लाइफ की चर्चा करें तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन दिखाई दे रही है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में आप दोनों में बहस हो रही है। ऐसी स्थिति को टालने का प्रयास करें। आप मेष राशि वालों से ये कि आज के दिन लक्की नंबर 4 का जरूर उपयोग करें। लक्की कलर आप सभी के लिए सफेद कलर। चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आज आपके राशि में उच्च के चंद्रमा है, ऐसे में दिन तो उत्तम होगा ही। सभी का आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। परिवार के सदस्य सहयोग मिल रहा है। आज आपका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। कहीं न कहीं से अचानक धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। विद्यार्थियों का दिन उत्तम है। केवल आज आपको छोटी छोटी बातों पर किसी की भी साथ बहस नहीं करनी है, अन्यथा यहाँ प्रॉब्लम में आ सकते हैं। व्यवसाय में लाभ की स्थितियां हैं। करियर में थोड़ा सोच समझ कर ही चलने का दिन है। छोटे भाई बहनों के आज प्रमोशन का समय चल रहा है। आप सभी वृषभ राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लक्की नंबर 5 का जरूर उपयोग करें। लक्की कलर आज आप सबके लिए है हरा कलर। अब चर्चा करते हैं रिश्तों की। जीवन साथी के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, बात हाथापाई तक नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। लव लाइफ की चर्चा करें तो आज आपका दिन उत्तम है, परंतु याद रहे किसी थर्ड पर्सन के एंट्री की वजह से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। ऐसी सिचुएशन को टालने का प्रयास करें। चर्चा मिथुन राशि वालों की। सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। बहुत दिनों से आपके रिश्तों में जो उलझन चली आ रही थी, अब वो दूर हो रही है। आप दोनों के रिश्ते बहुत ज्यादा मधुर हो रहे हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, परंतु छोटी छोटी बातों पे आपके ससुराल वाले दखल दे रहे हैं, जिस वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। करियर की चर्चा करें तो करियर में आज आपके लिए पदोन्नति के योग बने हुए हैं, परंतु अपनी सभी प्लानिंग दूसरों का शेयर नहीं करेंगे। लाभ की बहुत सुंदर स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। आज ऑफिस से आपको किसी प्रकार का लाभ होने के योग बने हुए हैं। व्यवसाय में भी लाभ की स्थितियां हैं। दिन आप मिथुन राशि वालों के लिए बहुत उत्तम है। दिन को और उत्तम बनाने के लिए लक्की नंबर 3 का जरूर प्रयोग करें। लक्की कलर आप सबके लिए गुलाबी। चर्चा कर्क राशि वालों की। सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। कर्क राशि वालों, आज आपको अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्वभाव थोड़ा सा आज डगमगाया हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे में आप दोनों के रिश्तों में ब्रेक लग सकता है। मैरिड लाइफ की चर्चा करें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जीवन साथी को आज पैरों के नीचे दर्द की तकलीफ महसूस हो सकती है। करियर की चर्चा करें तो करियर में आज आपके लिए प्रमोशन के चांस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन उत्तम है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे थे तो अब आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलने के योग भी बन चुके हैं। भाग्य साथ आपको भरपूर मिल रहा है। व्यवसाय में आज उतना बड़ा निवेश करने से बचाव करना होगा। शेयर मार्केट से रिटर्न अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। आप कर्क राशि वालों को चाहिए आज के दिन लक्की नंबर 7 का जरूर प्रयोग करें और लक्की कलर आप सबके लिए लाल कलर। चर्चा आप सिंह राशि वालों की। सबसे पहले बात रिश्तों की करते हैं। आज आपका रिश्ता मिला जुला रहेगा। आपको अपने क्रोध पर थोड़ा सा संयम करना है। बहुत ज्यादा टोका टोकी हर बात पर नहीं करें, अन्यथा यहाँ छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है।
जीवन साथी के साथ भी आज आपका तालमेल उतना अच्छा नहीं है, उस पर ध्यान दें। मकान वाहन खरीदने का बहुत सुंदर योग बना हुआ है। करियर में आज आपको लाभ की स्थिति है। छोटे भाई बहनों को अच्छी जॉब मिलने के भी योग बने हुए हैं। आप सभी सिंह राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन को और उत्तम बनाने के लिए लक्की नंबर 3 का जरूर प्रयोग करें। लक्की कलर आज आप सभी के लिए है पीला कलर। अब चर्चा आप कन्या राशि वालों की, सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। आप दोनों के रिश्ते उतने मधुर नहीं चल रहे हैं। प्रेमी जोड़ी जोड़ों में कुछ न कुछ बातों को लेकर के यहाँ पर अलगाव की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। यदि ऐसी स्थिति चलती रही तो यहाँ पर ब्रेकअप होने के चांस भी ज्यादा बन जाएंगे। जीवन साथी के साथ भी आज आपके रिश्ते उतने मधुर नहीं है। छोटी छोटी बातों पर आपके जीवन साथी आपसे नाराज हो गए हैं। लाभ की चर्चा करें तो लाभ आपको बहुत अच्छा हो रहा है। विद्यार्थियों का दिन थोड़ा आलस भरा हुआ है। पिताजी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मान सम्मान उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। आज आपका पराक्रम बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है। आप सभी कन्या राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन को उत्तम बनाने के लिए लक्की नंबर 2 का जरूर प्रयोग करें। लक्की कलर आप सभी के लिए सफेद। चर्चा आप तुला राशि वालों की, सबसे पहले बात करते हैं प्रेमी जोड़ों की। आज आपको अपने रिश्ते को थोड़ा सा समय देना चाहिए। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने का ट्राई करें। पुरानी बातों को लेकर के बहस करने से बचाव करें। मैरिड लाइफ की चर्चा करें तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में अब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। एक दूसरे को पूरी तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं। आज आपको आपके भाग्य का साथ भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। कहीं ना कहीं से धन लाभ के योग बने हुए। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। आज आप पार्टी के मूड में भी हैं। घर की सजावट के सामान भी खरीद रहे हैं। केवल आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। संतान के साथ तालमेल बिठाने का ट्राई करें। आप सभी तुला राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लक्की नंबर 3 का जरूर प्रयोग करें और लक्की कलर आज आप सभी के लिए पिंक कलर। चर्चा वृश्चिक राशि वालों की, सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। आप प्रेमी जोड़ों के लिए सलाह है कि एक दूसरे पर डाउट नहीं करें, अन्यथा आपके रिश्तों में यहाँ पर ब्रेक लग सकता है। काफी दिनों से आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझन चली आ रही है। आज आप अपने राइटिंग स्किल का प्रयोग करके अपने प्रेमी प्रेमिका को अपनी ओर और आकर्षित कर सकते हैं। मैरिड लाइफ की चर्चा करें तो यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी से कोई अच्छा गिफ्ट प्राप्त हो रहा है। ससुराल वालों के साथ आज आपके रिश्ते बहुत मधुर बने हुए हैं। भाग्य आपका प्रबल है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो आज आपके लिए विवाह के बहुत सुंदर प्रस्ताव आ रहे हैं। करियर की चर्चा करें तो करियर में भी आपके लिए पदोन्नति के योग बने हुए हैं। प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो अब उसके सुंदर समय आ चुका है। केवल आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले घर के बड़ों की सलाह अवश्य ले लें। यात्राएं सुखकारी रहेंगी। आपके लिए लक्की नंबर है 5 और लक्की कलर आप वृश्चिक राशि वालों के लिए है हरा कलर। चर्चा करते हैं आप धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं आपके रिश्तों की। आप प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन बहुत सुंदर बना हुआ है। अब आप अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने विवाह अपने प्रेम संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। मैरिड लाइफ की चर्चा करें तो यहाँ पर जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। जीवन साथी के पदोन्नति के योग बने हुए हैं। भाग्य के साथ आप सभी धनुराशि को भरपूर मिल रहा है। व्यवसाय में लाभ की सुंदर स्थितियां बनी हुई हैं। यदि आप कोई कोचिंग क्लासेस रन करते हैं तो वहां पर आपको आज मान सम्मान की प्राप्ति भी हो रही है। कहीं न कहीं से धन का लाभ हो रहा है। आप सभी धनुराशि वालों को चाहिए कि आज के दिन को और सुंदर बनाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करें। लक्की नंबर 5 का जरूर प्रयोग करें। लक्की कलर आप सभी के लिए है पीला कलर। चर्चा आप मकर राशि वालों की, सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। यदि आपके जीवन में अब तक कोई आया नहीं है तो अब आपके जीवन में किसी के आने के योग बन चुके हैं। लव मेट के साथ बहुत सुंदर समय व्यतीत कर रहे हैं। आप कहीं बाहर घूमने जाने के प्लान में भी हैं। जीवन साथी का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। संतान की ओर से आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों का दिन बहुत उत्तम है।
धन लाभ की सुंदर स्थितियां बनी हुई हैं, यात्राएं करनी पड़ रही हैं, विदेश यात्रा करना चाहते थे उसके सुंदर योग बने हुए हैं। केवल आपको कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना है, आप सभी मकर राशि वालों को चाहिए कि भाग्य को और प्रबल करने के लिए लकी नंबर 2 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आज आप सभी के लिए है हल्का नीला रंग। चर्चा आप कुंभ राशि वालों की सबसे पहले बात करते हैं। रिश्तों की, आप प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप अपने रिश्तों की बात अपने घर तक लेकर जा रहे हैं। जीवन साथी के द्वारा कोई गिफ्ट प्राप्त होने के सुंदर योग बने हुए हैं। अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। मकान वाहन खरीदने में बहुत सुंदर योग बना हुआ है। करियर में भी लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। परिवार में चली आ रही पुरानी कोई समस्या समाप्त हो सकती है। केवल आपको अपने वाणी पर संयम बनाए रखना है। पूजा पाठ धर्म कर्म कार्य में आपका मन बढ़ चढ़ करके लग रहा है। आप सभी कुंभ राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 7 का जरूर प्रयोग करें और लकी कलर आप सभी के लिए है गुलाबी कलर। चर्चा हमारी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। यदि आपके जीवन में अब तक किसी का आगमन नहीं हुआ है, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो खुश हो जाइए क्योंकि बहुत जल्द आपके अपने दोस्तों में से ही कोई आपको प्रपोज करने वाला है। साथी के साथ आज आपको रिश्ते बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। साथ ही आप कहीं बाहर घूमने जाने के प्लान में भी हैं। भाग्य के साथ पूर्ण रूप से आप सभी को प्राप्त हो रहा है। व्यवसाय में लाभ की बहुत सुंदर स्थितियां बनी हुई है। नए नए कॉन्टेक्ट बन रहे हैं। वाणी भी आपकी बहुत मधुर बनी है। करियर में आज आपका दिन बहुत अच्छा है। यदि आप किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो वो प्रयास अब आपका सफल होने वाला है। अच्छी जॉब मिलने के योग है। यात्राओं में थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि यात्राएं थोड़ी सी कष्टकारी हो सकती हैं। आपकी आय से ज्यादा खर्च हो रहा है, ऐसे में पहले से ही प्लानिंग कर ले खर्चों की। आप सभी मीन राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 4 का जरूर प्रयोग करो। लकी कलर आज आप सभी के लिए पीला कलर और लाल कलर। क्या कहते हैं आज के महा उपाय की। आज का महा उपाय हमारे भोले बाबा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि आज प्रदोष है और आज यदि आप चाहते हैं जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं, क्योंकि महादेव महाकाल प्रभु हैं, प्रभु की इच्छा से जो चाहे सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है और घरदानी है, तो ऐसे में जब सूर्यास्त होने लगता है उसके 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद तक का जो समय है वो अवधि बहुत सुंदर होती है। इस समय में कुछ देर के लिए बैठ करके भोले बाबा का नाम संकीर्तन करें, उनके मंत्रों का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना भोलेनाथ के सामने रखें। जरूर प्रभु कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी।